टेक्सटाइल सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बागपत में 32 दिन के कोरोना कर्फ्यू ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी। मई माह में सबसे अधिक आसादियां थी, जिसमें कारोबारियों का अच्छा फायदा होने की उम्मीद थी। व्यापारियों की माने तो बंदी से लगभग 1.5 अरब रुपये का कारोबार हुआ प्रभावित। करौली में मंगलवार को SDM ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें निर्धारित किया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में कपड़ा बाजार, सराफा बाजार, ऑटोमोबाइल व फुटवेयर एवं रेडीमेड की दुकानें मंगलवार व गुरुवार को बंद रहेगी। राजस्थान के 12 में लॉकडाउन में कपड़ा व्यवसाय को शुरू करने के लिए छूट देने की मांग को लेकर व्यापार संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार से व्यापारियों का अनुरोध है कि अनलॉक में कपड़ों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। गुरुग्राम में फर्जी कपड़ा निर्यात कंपनी बताकर मुंबई के कारोबारी से धोखाधड़ी। आरोप है कि फेसबुक पर जय हिंद एंटरप्राइज कंपनी का लिंक मिला, जिसमें सस्ते दामों पर गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्यात करने वाली कंपनी का जिक्र था। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज। सूरत कपड़ा मंडी के हाल इस साल पिछले साल जैसे भी नहीं रहने वाले तय लग रहे हैं। यही वजह है कि स्थानीय बाजार खुले 10 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन व्यापारी आगे की तैयारियों का मूड नहीं बना पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में मंगलवार के अनलॉक से शुरू हो गया। इस दौरान बाजार में दुकानें तो खुली, लेकिन ज्यादा भीड़भाड़ नजर नहीं आई। सदर बाजार में कपड़े और जनरल स्टोर की ज्यादा दुकानें हैं। कपड़ों की दुकानों के लिए हफ्ते में 3 दिन तय किए गए हैं। बिहार में लॉकडाउन 4 आज से लागू है, लेकिन राज्य में सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान सशर्त खोले गए हैं। कुछ अतिरिक्त छूट के साथ 5 मई को लागू लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। भोपाल मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन के रवैये से बैरागढ़ के कपड़ा, बर्तन और सराफा व्यापारी नाराज हैं। प्रशासन के आदेश के विरोध में दुकानों पर काली पट्टियां लगा दी गई है। व्यापारियों ने दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। मेरठ के बाजारों में दूसरे दिन भी व्यापारियों ने दुकानों की साफ सफाई की। घंटाघर स्थित नगर निगम के पालिका बाजार में 27 से अधिक दुकानों में पानी के रिसाव के कपड़े भीग गए। इसके अलावा चूहों और दीमक ने भी कपड़ों को नुकसान पहुंचाया। उधमपुर जम्मू कश्मीर में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। प्रक्रिया के बाद करीब 1.25 महीने बाद बाजार में फिर से कपड़ा, दर्जी और खिलौने आदि की दुकानें खुली। इससे मंगलवार को बाजारों में दिन भर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आज के सुपर फास्ट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।